हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी डॉल्फिन यान। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी एक वीडियो जो है गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, और मैं जो है किसी को क्या कहूँ, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे वो पुलिस हैं, चाहे वो कोई भी इदारा है मुझे सपोर्ट करे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इस वक्त मैं इन हालातों में ही तो नहीं हूँ कि मैं कुछ और कह सकूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल हूँ, और ये एग्जांपल इस तरह की हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी भी स्टैंड ना लिया तो ये कल आपकी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। और मैं पूछती हूँ वो नाम निहाद मौलवियों से, मैं वो नाम निहाद और अमन जरगे वालों से, मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो हमेशा ट्रांसजेंडर को गलत कहते हैं, कहाँ है वो इदारे, कहाँ है वो इदारे, कहाँ है वो लोग? अभी आए ना, मेरा पूछे ना इन लोगों से, मेरा क्या कसूर था? बस ये कसूर था कि मैं सिर्फ फंक्शन करती हूँ, बस ये मेरा कसूर है। पहले हमें हमारे घरों से निकाला है, फिर जो है ये अभी हमारे साथ ये भी हो रहा है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और जो से लोग बड़े खुश है ना, तो मैं ये कहना चाहूंगी ना कि जान अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये आज मुझ पर है, कल आप पर भी हो सकती है। और दूसरी बात, ये हमारे पास भी लोगों की वीडियोस आती है, लेकिन हम लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते किसी में कि हम उनकी वीडियोस देखें, उनकी बातें सुने कि क्या है क्या नहीं है। हमारे अपने इतने काम होते हैं, और जो लोग भी जो वीडियोस को फॉरवर्ड कर रहे हो, पेजेस भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो कि कोई जो सा बंदा भी जो है ये वीडियो पेज पे लगाएगा उसका पेज बंद होगा FIA की तरफ से, ठीक है, उसका पेज जो है ब्लॉक हो जाएगा। जो भी ये वीडियो अपने पेज पर लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात ये कि मेरे CCPO साहब से, IG साहब से, और मेयर जो हैं जुबैर अली शाह जो हैं, और वजीर अला गंडापुर हैं, कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि दिन ब दिन ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को जो है ये कैसे लोग हैं, ये माशरे के नासूर लोग हैं। हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं है, हमारे लड़के सेफ नहीं है, हमारे फौजसरा सेफ नहीं है, ये आखिर कौन लोग हैं? इन लोगों को ख़त्म किया जाए, आखिर कब तक ये होगा? इन लोगों को भी नंगा किया जाए चौक में, ये कब तक आगे होगा इस तरह? मेरी सारी मीडिया से ये दरख्वास्त है कि इस मौजू को आप बहुत से बहुत उठाएं, इसको 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 इतना शेयर करें, इसको इतना शेयर करें कि उस जो बंदा जो है उसको पकड़ा जाए, उसके वालिदैन, उसका जो वालिद है उसको पकड़ा जाए, उसके भाई को पकड़ा जाए। ये इमरान नामी बंदा है, इमरान नामी शबकदर मियां किले में रहता है, इमरान, उसके बाप का नाम इख्तियार खान है, भाई का नाम यासीन है, ये सब जो है आपस में मिले हुए हैं। और ये जो है इन्होंने जो मुझसे वीडियो की थी, मेरे साथ स्टाम्प भी उन्होंने किया था कि हम ये वीडियो वायरल नहीं करेंगे, स्टाम्प के बावजूद उन्होंने मेरी ये वीडियो वायरल की। ये किसकी नाअहली है? ये हमारे इदारों की, गवर्नमेंट की, ये हमारे पुलिस एहलकारों की है। मैं इस माशरे में इतनी इज्जत नामो इज्जत वाली नहीं हूँ। Hi guys, welcome back to our channel. Thanks for watching our content. We love you so much. Now, there's a video that's trending on internet, most especially on platform X, and it's termed as Dolphin Ayan. Dolphin Ayan video leak has taken the internet by storm, going viral within hours of its release. The incident has sparked widespread concern. Dolphin Ayan, also known as Mahim Muhammad, is a transgender activist from Pakistan. She's a Pakistani social media personality and dancer known for her captivating performances and videos, which have gained her a strong following on platforms like YouTube and Instagram. She regularly shares her dance routines and music videos, highlighting her skill and passion for the art.